नमस्कार, आदर शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में सभी अभिभावक जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कक्षा अरुण, विषय नैतिक शिक्षा। कहानी भक्त प्रहलाद। प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र था। वह विष्णु भगवान का परम भक्त था। उसका पिता हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर शत्रु था। बचपन से ही प्रहलाद ने विष्णु भगवान का नाम लेना, पूजा करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारा, डांटा, परंतु उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना को नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप ने देवतियों को आज्ञा दी कि इस बालक का वध कर दो। देवतियों ने प्रहलाद को पर्वत से फेंका, नदी में डुबोया, शस्त्रों से मारना चाहा, पर विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। देवतीय उसका बाल भी बांका न कर सके। इसके बाद प्रहलाद ने सभी लोगों को विष्णु भगवान का भक्त बना दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पागल हाथी के सामने फेंक दिया, पर प्रहलाद का कुछ भी ना बिगड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। वह प्रहलाद को गोदी में बैठाकर अग्नि में बैठ गई। आश्चर्य, होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद हंसते हंसते बाहर आ गया। तब एक दिन क्रोध में उसका पिता उसे पूछने लगा, बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, मेरा भगवान सब जगह है। दैत्यराज ने खंभे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या इसमें तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, मेरा प्रभु इसी में है। इतना सुनते ही दैत्यराज ने उस खंभे को लात मारी। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को मार डाला और उसका वध कर दिया। ईश्वरमयी जीवन कभी मुश्किल नहीं होता है। इस प्रकार की कहानी भैया बहन को प्रतिदिन सुनानी चाहिए। नमस्कार।